अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ आप लोग की दुआ से। उम्मीद करता हूँ आप भी तो अच्छे होंगे। आपको सब कुछ मुबारक, चलो नमाज पढ़ने फटाफट जाते हैं। हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम हो गया आप लोगों का शफीक आसिफा ब्लॉग में। तो आप लोग खैरियत से हैं? आप लोग, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं आप लोग की दुआ से, आपके प्यार से और आपकी दुआ से और अल्लाह के करम से, है कि नहीं? और आसिफा, अच्छा बना रही है खाना और दूसरे को मत दिखाना, ठीक है? तो जस्ट मैं अभी नमाज पढ़ के आया। हाँ, अभी आसिफा नमाज पढ़ने आना है, तो मैंने जस्ट नमाज पढ़ के आया हूँ और बैठा हूँ। कल का मेरा जिम का भी छुट्टी हो गया, वो एड़े की वजह से मेरे पैर पे, तो मैं बोला अभी जाऊँगा वजन उठाऊँगा। वैसे नस दर्द, उंगली से उंगली फोल्ड करो ना तो ऐसा दर्द हो रहा है, और जानदार छुट्टी कर लेते हैं। तो आज अपन जाएंगे, आराम करेंगे, जिम का जाएंगे और सारी रूटीन बताएंगे आज की, तो नया करेंगे बताएंगे। सुबह नमाज पढ़ के आ चुकी है और बनाने जा रही है मैगी। मैं मैगी खाऊंगी क्योंकि आसिफा ने आज बनाया है चिकन मेरे लिए और उमेर के लिए, और खुद नहीं खा रही है क्योंकि इसका मन नहीं है। इसका मन है मैगी खाने का, तो और दाल चावल, दाल चावल भी नहीं खाने मन है, तो मैगी खाने मन कर रहा, तो मैडम मैगी खा रही है। ये था और बनाऊंगी थोड़ा मेरे तरीके में, अलग स्टाइल में, है कि नहीं? मतलब ऐसा अजीब, इतना सारा मैगी क्यों बना रहे हो? खाऊंगी नहीं क्या मैं? तीन मैगी तो बेटा भी आता है ना मेरा। अरे बाप रे, ठीक है, मैं तो नहीं खाने वाला था। तो ये मैडम तीन कोई दे भी नहीं रहा, तीन मैगी बनाई है पापा, तो भाई मैं तो नहीं खाना वाला। बनाऊंगी ना, तुम्हारे से लोग देख रहे हैं। नहीं नहीं भाई, मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट पे हूँ, मैं जिम जाना चालू कर दिया ना, तो देखो कुर्ता कैसा लग रहा है, मोटा दिख रहा है पतला दिख रहा है? अच्छा कुर्ता कैसा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है पतला दिख रहा है? देखो जरा अभी थोड़ा फर्क आया है, फर्क आया है। पहले से थोड़ा सी फर्क आया है। अभी खाया तीन रोटी और थोड़ा चावल, क्योंकि ना नहीं तो यह सब थोड़ा टाइट हो रहा था बीच में, है ना? हां, बनो उड़ के फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, है ना? दीवाने, तो जो मुझे ना बोलता है वो बहुत पछताता है, ये बात तो है। हाँ, तो मैं बना रही हूँ चटपटी जोरदार मैगी। मैं ऐसी कोई ऐसी मैगी आज नहीं बना रही, बड़ा दिल हो रहा था, तो चलो दिखाती हूँ तुम्हारे को थोड़ा सा, है कि नहीं जान, क्या बोलते हैं, यूनिक तरीके में टेस्टी। बच्चों को ऐसा खिलाओ भाजी खा लेंगे, नहीं खाने वाले। तीन मैगी मस्त मैंने थोड़ी कच्ची पक्की बॉइल करके रखी, पक्की चाहिए मतलब समझ लो पूरी एकदम, ऐसा छिछा लेदर नहीं बनाई पकाई हूँ। और दो लहसुन मैंने कूट लिए अच्छे से, तो मस्त क्रश हो गए। और थोड़ा सा पाव है ना, मैंने शिमला मिर्च ले ली और कुछ दाने हमारे कॉर्न के, और कांदा एक्चुअली मेरे पास खत्म हो गया, अर्जेंट में बना रही हूँ, मेरे को भूख लगी बहुत तेज। आधा टमाटर और दो हरी मिर्ची, आपको डालना है मिर्ची ठीक है, बच्चों के लिए नहीं तो मत डालो। तीन मैगी मसाले का पैकेट, और मैंने यहाँ तेल लिया है दो चम्मच, अगर ऐसा देखा जाए तो इतना बड़ा एक चम्मच तेल, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। अब मैं उसमें कॉर्न और अपना शिमला मिर्च डाल के पकाऊंगी, डाल दी साथ ही साथ, ताकि मेरी शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए, समझे ना जानू? तुम्हारा नाम मन हुआ ना तो बोलना, देख लो चम्मच खा लो, तड़पोगे एक चम्मच, अदरक लहसुन भी डाल दो साथ पकाओ, अदरक लहसुन, ये लहसुन सॉरी, अदरक भी डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा चाइनीज टेस्ट आ जाएगा, पेस्ट नहीं, ऐसे ही कूटने का, कूटने का ऐसे बारीक बारीक, इसको ज्यादा नहीं पकाना, ठीक है ना? मैं इतना नहीं फूटने दूंगी मैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा, देखे फूट रहा है हल्का हल्का, टमाटर और हरी मिर्ची। कांदा होता ना बहुत और मजा आता, नहीं खत्म, अभी लाऊंगी, डाल रही हूँ मेरी स्पाइसनेस के लिए थोड़ा सी कलर के साथ साथ मिर्ची पाउडर, और साथ डालूंगी थोड़ा सी हमारा धनिया पाउडर, मुझे मेरे स्टाइल में चाहिए ना जानू, थोड़ा ही डालूंगी ज्यादा नहीं। अरे अब मैंने हिला के दोनों तीनों मैगी मसाले डाल रही हूँ, ठीक है ना, तीनों के तीनों डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। और आप लोगों को गुगलू पे भी बहुत अच्छा वाला वीडियो मिलने वाला है बहुत जल्द, मतलब रस मलाई का मिल जाएगा, या तो मिल गया होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग देखना, है कि ना? हाँ, ये देखो इसको मैं दो मिनट ऐसी पका के इसमें ना थोड़ा सी हल्का सी पानी डालूंगी, ज्यादा बस, ताकि मसाला ना जले, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारी मैगी।
आप लोग चाहो ना खट्टा भी कर सकते हो इसको, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेना। अलग अलग तरीके हैं। देखो ये मत बोलना अरे ये क्या कर रही है इसमें ये मिला रही हो मिला रही है, ऐसा नहीं होता बहुत है। बहुत टेस्टी लगती है, अपने अपने तरीके से करो। दो चम्मच मैंने ऐसी घाई घाई में ले लिया अभी जो भी पर बना ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स करो, निकालो और खाओ, इंजॉय करो। और चाहिए तो थोड़ा सी नमक ऐड कर देना, जिनको मतलब ज्यादा नमक चाहिए होता है ना उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा लगे, इधर मेरा मुंह दिखाओ ना, अगर ऐसा लगे तो आप लोग अपने से एडवांस थोड़ा एक्स्ट्रा मैगी मसाला भी डाल सकते हो। तो मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझको बहुत ज्यादा लग जाता है, फिर मुझको ऐसे खाना था। ये देखो मेरी मैगी मस्त वाली तैयार हो गई है। देखो शिमला मिर्च और कॉर्न सब इसमें, टमाटर भी है, मैंने ऊपर से ना थोड़ा कोथमीर गार्निशिंग के लिए डाली। और एक्चुअली जानू चले गए बाहर थोड़ा टहलने के लिए, मैंने बोला आप जाओ मैं थोड़ा जब तक बिग बॉस देखूंगी बैठ के और थोड़ा खाऊंगी, क्योंकि उमेर को स्कूल से लाने का टाइम होगा अभी एक घंटे में, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना था। मस्त ऐसी मैगी, ऑसम, ट्राई जरूर करो, इतनी अच्छी रेसिपी दी हूँ, खा के देखो। और बच्चों को खिलाओ, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। मैगी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना पानी में, नहीं तो पचका पचका हो जाएगी। बाकी आइए आप सब भी मेरे साथ खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आज होने वाला है कुछ अलग और कुछ नया, तो आप लोग देखते रहना और बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे कौन क्या कुत्ता बिल्ली बनने वाला है और पता नहीं आज वक्त क्या बनने वाली है। और जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो ये देखो बैठी है सामने, ओ माय गॉड, मैं बंदर नहीं, मैं भालू। जो जीतेगा ना, हाँ, तो आप लोग लाए हैं एक नया चैलेंज, हम लोग लाए हैं। उस चैलेंज का नाम है क्या बोलते हैं, नहीं उस चैलेंज का नाम है, मैं बताता हूँ आपको क्या नाम है। तो गाइस उस चैलेंज का नाम है देखो, ले ले ये चैलेंज है आज, देखो आप लोग को मजा आएगा। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना, तीन दिन से ना हम लोग दीवाने हो गए हैं बिग बॉस के। बिग बॉस सिर्फ घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं काम करके फटाफट सारे हटाती हूँ, क्लीनिंग खाना साना सब हो जाता है, उसके बाद नमाज वमाज पढ़ के करके आके हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ एक ही जगह पे। ना हम लोगों को कहीं जाने की सुध-बुध रहती है, ना खाने की सुध-बुध रहती है। तो यहाँ पे चैलेंज के लिए तैयारी चल रही है और हम लोग सिर्फ जो पुराने एपिसोड छूटे हुए हैं ना दिन भर वही देखते रहते हैं, तो आज हमने सोचा कुछ खास करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं क्या जानू, ये क्या बोलते हैं, जी हाँ, तो आज हम कर रहे हैं मिरिंडा चैलेंज। एक्चुअली आज हम कर रहे हैं जूस चैलेंज। देखो ओ मेरे में अगर ज्यादा डाले ना तो याद रखना, देखो ये तो गलत है ना, लास्ट की चार बूंद तुम मेरे में ज्यादा क्यों आई। तो आज का हमारा चैलेंज है बिना हाथ लगाए गिलास को, गिलास से पूरा जो मिरिंडा है एक बार में खत्म करना है, कितने मिनट में वो देखेंगे, कितने टाइम में और किसका पहले होता है, ठीक है। और 100 रुपया तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या जानू बोलते हो, शर्त लगाते हो क्या, मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगी। हाँ गिलास निकल लेता मैं डायरेक्ट, सोचता वो सभी डायरेक्ट गिलास के साथ पीता मैं। हाँ लेकिन हाथ नहीं लगाना है, या हाथ के अंदर जाना है ऐसे। चलो आ जाओ भाई, हरकत नहीं करना, हमें बोलेगी और ये वाले में तो नहीं, बिल्कुल भी ये मेरा है, ठीक है। तो सो डोंट टच इट, तुम्हारा ही तुम्हारा है। नहीं कम ऑन दे बिल्लेट ऑन द बुलेट। चलो गाइस आ जाओ, चलो यहां बैठो। ए नहीं ए वहां बैठो आप, मैं बैठूंगी यहां पे, ठीक है ना। ओके गाइस चीटिंग नहीं करना। ऊपर एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिन से मुझको ना बहुत अलग अलग चैलेंजेस कर रहे थे घर में, हाँ चलो ये करते चलो वो करते, हाँ दिखा दो तुमको हरा दूंगा ऐसा वैसा। तो आज मैं काम करी, मैं बोली वो तुम्हारे चैलेंज का शौक है ना, उमेर की शायद उंगली आ रही है कैमरे के आगे, नहीं तो बोलते हैं हाँ हरा दूंगा मैं, चलो चैलेंज करते हैं। फिर बोलते कौन सा चैलेंज, मैं बोली आओ बताती हूँ पहले काम वाम मेरा हो जाए निपट जाए, तो अभी तो मैं फ्री हूँ। तो आज हम चैलेंज कर रहे हैं ये, और मेरे कॉम्पिटिटर हैं ये, और हम चलाएंगे बिग बॉस। चलो
ये पूरी जगह ले तो खैर हाथ पीछे कैसे रखें, हाथ पीछे रखें तो झुकोगे गिर जाओगे, झुकूंगा क्या मैं, थोड़ी बोली के पेड़ इतना बाहर निकालो के तुम बोलो। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, गिलास दिख रहा है कि नहीं, हाथ पीछे करो, दिख रहा है हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे, हाथ गाइस पीछे डाल दिया हूं ठीक है। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो गलत बात है, रुको अल्लाह गिरा दिए, अल्लाह गिर गया पूरा कपड़े में, अल्लाह असो हट रख नीचे, हट रख नीचे, रख नीचे, मेरा दांत टेढ़ा है ना, अब मेरा दांत ऐसा ऐसा नहीं बैठ रहा, एक मिनट रुको रुको रुको, फंसा हुआ है, रुको तुम्हारा दांत अच्छा, मेरा दांत, मेरा एक्चुअली दांत ऐसा है ना तो गिलास नहीं बैठ रहा है, चीटिंग की है, चीटिंग मेरा कपड़ा खराब करा है, मैं जीत गई, भाई देखो ठीक है, तो ये हार गई, मैं जीत गई हूँ, नहीं मैं उधर तो नहीं देखी, ताकि तुम मेरे साथ ना करो, मेरे दांत में बैठ रहे नहीं, इसलिए तो मैंने एक्चुअली दांत टेढ़ा है ना, उसके वजह से मेरे दांत में बैठ रहा नहीं, फेंक दे रहा, इसीलिए मैंने ये चैलेंज लगाया था, मुझे पता कि मैं दांत से पकड़ लूंगी और इनके दांत ही नहीं मिलेंगे आपस में, पर तुम्हारे होंठ बड़े जानू, ये जानू जानू, पर तुमने ऑलरेडी तुम हारे हुए हो, कितना मुश्किल है सोचा, मेरा कपड़ा तो नहीं गानवा, तुम्हारा मम्मी आधा गिरा तभी तुम जीते, आधा नहीं गिरा, तेरा अब्बा ने चीटिंग की है, मुझे ना गिरा, जान उसके हटा रहा, तेरे तुम्हारा गिरा हुआ है, दांत से क्या गिरा, दांत से क्या गिरा, चीटिंग मत करो, इतना सारा गिरा है, आप लोग बताना गाइस किसने चीटिंग किया, नहीं है ये बहुत चीटिंग करी है, सच बोल रहे हैं, कौन चीटिंग किया, ये हमेशा चीटिंग करते हो, पानी पूरी वाले में चीटिंग किए थे, एक पूरी मेरे में ज्यादा डाले थे और टाइमिंग पे एक नहीं थी दो डाले थे, कोई नहीं, कैसा लगा आप लोग को बताना, इस क्या बोलते हैं 2 मिनट का चैलेंज, पर इसने ना चीटिंग करी, बस मैंने नहीं चीटिंग करी, मेरा दांत की वजह से मैं हार गया, देखो तो ऐसे बोलो, मैं दांत की वजह से आया हारा, क्या बोलते हैं शफीक इज द चीटर, शफीक इज द चीटर, मैं आ गया, ऐसा पकड़ूंगा मेरा भी आएगा बे, इसलिए तो हाथ लगाने मना था ना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं दांत से पकड़ लूंगी, ओ फेवड़े चला मम्मा की दांत तुम्हारे साथ मेरी, चैलेंज किया है उमेर ने, अभी चैलेंज किया उमेर ने आसिफा को, बोलता है मेरे साथ करो मम्मा मैं हरा दूंगा बोलता है, तो अब उमेर करेगा चैलेंज मम्मा के साथ, इसके बाप को हराई ना वैसे इसको भी हराऊंगी, देख लेना, चलो 2 सेकंड पहले जीते थे तेरे, जो आगे की खिड़की खुली है, ऐसे रहेगा ज्यादा, यहाँ से पिएगा खिड़की में से बाहर आएगा, चलो चलो स्टार्ट, खिड़की उमेर चीटिंग है, सो चीटिंग है उमेर, तुम बच्चा है ना, तुम भर के लो उसको कम दो, हाँ बच्चा नहीं देख, अम्मी अम्मी तुम्हारे कम है मेरा ज्यादा है, अरे देख बराबर है, देख बराबर है, बराबर है, थोड़ा तुम और लो सो, लेकिन बच्चा है ना वो, तुम ज्यादा लो, अरे तो इतना हटा दे रही हूँ ना, हाँ ठीक है चलो बराबर में, ओके गाइस उमेर आर यू रेडी, कॉम्पिटिटर है वो मेरा, ले गाइस नहीं नहीं कुछ नहीं, रुक ये रुक, तो चलो तो कुछ पहले बताओ क्या करना, कुछ नहीं बोला, बड़ा अच्छे से जितना हुआ, ये तो गलत है, ओके भाई छोड़ूंगी नहीं तुम, चलो ओके, ए रुक रुको जरा मुंह क्या, रुक जाओ, अरे मैंने स्टार्ट बोला ही नहीं, रुक जाओ, अरे हाँ घुटने बैठो मेरे, घुटने बैठो, घुटने बैठो, घुटने बैठो मेरे, सुन जरा बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तू जीते मैं जीतू, एक ही बात है तो तू मत जीत, मम्मा को जीत, सर
मम्मी अगर मैं जीता तो मैं 100 लाख पड़ेगी तुम्हें। चलो रुको, हाथ मत रखो उस पर गिर जाएगा। तो गाइस 3 2 1 गो। अरे असो चीटिंग कर रहे बच्चे के साथ। ये देखो उमेर पी नहीं पा रहा है, औरत को देखो मम्मा के हाथे छीन ले रहे, मम्मा के हाथे छीन ले, मम्मा के हाथे छीन ले रहे। है थोड़ा सा असो, थोड़ा सा है थोड़ा सा है चीटिंग हाथ से। ये देखो अरे हार गया क्या बात, अल्लाह पेपड़े पेपड़े मार, क्या मजा आया। भाई साहब को डंडा पीने का बहाना नहीं था ना, तो डंडा पीने का बहाना मिल गया। देखो कहते हार के कैसा लगा बेटा, मजा आया। ठंडा पीने देती नहीं ना इसको हम लोग। फाइनलिस्ट मैं हूँ, दोनों इज्जत से मेरे को 100-100 रुपया। रुको मैं आशा को गिफ्ट देता हूँ, पकड़ो रुको तुम्हारे लिए गिफ्ट दे रहे हैं। देखो मम्मी को बर्थडे सारे गिफ्ट। अरे मैं दे रहा हूँ ना, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। नहीं बोला आप वापिस से बोलो। बाकी मेरे को जीत के बहुत बड़ा मजा आया और ऐसा हाल हो गया तो सॉरी, सोशल मीडिया पे नहीं लेना चाहिए लेकिन क्या करूं, चीजी जैसी पिलाई है कि अंदर की एसिडिटी बाहर आ रही है। आज पकड़े तो गिफ्ट लाया मैंने, ठीक है मैं वो जानू लूंगी। इंगुल झिंगुल मत देना, नहीं तो फेंक के मारना छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, एक पैसा मुक्का मारू भी ना के 10 दिन तक दर्द नहीं जाएगा। मेरे मम्मा के लिए गिफ्ट है तो हाथ, मेरे को बहुत डर लगता है जब तुम हाथ ऐसा करके लाते हो ना, तो मेरे को बहुत डर लगता है। ले लो ना, क्रीम लगा दिए, क्रीम लगा दिए। ले ले क्रीम लगा दिए, क्या साफ करे बच्चा, पूरा नाक में फेस चला गया मेरे। मजा आया, मुंह धोया। ये भाई साहब ने बहुत सारी चीज मिस कर दिया, हम लोग को देखने के चक्कर में कैमरा नीचे रखा हुआ है, दीवाना पागल। नहीं लिया कर, तू नीचे दिखा था कैमरा, हम लोग ऊपर मस्ती करें। तो चलो फिर कहीं जाते, घूम जाते। हाँ, चलो चलो। कौन है ये, खराब कर दिए। बाहुबली की हीरोइन हूँ मैं, बाहुबली की देव सेना, और कोई सेना नहीं है गाइस। वन आर्मी जीत जाएगा बेटा, दिल कमरिया तोरी हाय हाय हाय, रस भरी बदनिया तोरी हाय हाय हाय, तेरी सी अजन कदन आता है, अजन कदन आता है, अजन पत्ते लिख कमरिया तोरी हाय हाय हाय। तो हमने शूट किए, बहुत मजा आया। तो मैं बना हूँ अपर चीज, वैसे आज हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, क्या बोलते हो? अपर चीज लो दिखाओ, अपरचित 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 ऐसे आता है। देखो किस चीज ने अपरचित मूवी देखा है बताना मेरे को, ऐसे मैं भूत को मारूंगा। क्या कर रही तू, ये क्या कर रही, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। ये देखो क्या चल रहा है, मेकअप कर रही, पंखे की आवाज आ रही, गर्म में बैठ के कर रही, क्या करूँ, नीचे करते ना। यहाँ पे मेकअप ट्यूटोरियल मिलने वाला है आपको, कुक एंड लुक पे, है ना। और मैं अभी जस्ट जिम से आया हूँ, बॉडी बना के। देखिए किसके घर में ऐसा काम वाली आती है जी। हाँ देखो एकदम फुल मेकअप करवा के एकदम तैयार, दिखाओ। इसने लेंस भी लगाया था बट अभी इसने लेंस निकाल लिया, तो ये अच्छा लग रहा है। हाँ तो इसने अभी जस्ट मेकअप का ट्यूटोरियल दिया है कुक लुक पे, इसको एडिट करूंगी बाद। और मैं देख रहा हूँ बिग बॉस, अर्चना अर्चना बन रहा। तो गाइस हमने जो भी आज किया, मैं अर्चना जो बना वो मस्ती था, है कि नहीं आज।
बेटा वो तो ऐसी बचा कुचा काम है, तो मैं सिर्फ अर्चना बना मस्ती कर रहा है, नहीं तो लोग गलत वे में ले लेंगे तो कोई नहीं। चलो सब्सक्राइबर उनको हंसाने के लिए, हाँ उनको हंसाने के लिए, वो कुछ तकलीफ में है कुछ परेशानी में रहेंगे तो मेरी वीडियो देख के हंस देंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ज्यादा मजा आया चैलेंज में, चैलेंज में अच्छा ना इसीलिए। हाँ तो अभी तुम धो लो बर्तन फटाफट, फिर मिलते हैं ब्लॉग एंड करेंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे हो रहा है लास्ट में, ये देखो कितनी मेहनत करने बाद कितनी मेहनत से मिटा रही है, अरे अल्लाह तेल से मिटा रही, तेल से तेल से। हाँ मुझे दिखाओ जरा अब दिखाओ ऐसे पिंगाल चाहिए ना सबको, पिंगाल ऐसे करने का, देखो दाते भी लगा राजा जय गर्दन में पता नहीं। हाँ एक्चुअली गर्दन बारे में चमका जा रही है, क्यों ऐसा इस तरह पाली में आई है, हल्की है फुल्की ज़्यादा तेज नहीं है, तो अभी आज तब ऐसे तो तकिया लगे पता नहीं हमें। तो देखो उसको बिल्ली ने कहते नाखो मारे, देखो दीवाने की गलती नहीं इसकी गलती है, इसकी गलती है क्या करा जबरदस्ती कर मुँह के पास ला रहा था इसकी वजह से। तो चलिए आज बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा किया है, अर्चना कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताना ठीक है। अगर आप लोगों को अर्चना का रूप चाहिए और ज़्यादा है कि नहीं, अर्चना का एक्ट जैसे पीछे अर्चना दिखेगी और उसकी वॉइस मैं निकालूंगा उसकी एक्टिंग मैं करूँगा है कि नहीं, तो फुटेज खानेंगे अपन भी, अगर चाहिए तो आप लोगों को बताना कमेंट में कि अर्चना की एक्ट करूँ मैं, अर्चना का एक्ट करता हूँ। और साथ ही साथ में जैसे अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है या आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ करें, और अगर किसी को और एक अगर किसी को प्रमोशंस करवाना है हमसे है ना, किसी के शॉप का या कुछ, हम करेंगे जरूर बट पेड प्रमोशन और उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो है कि नहीं, तो हम करेंगे आपकी शॉप के बारे में बताएंगे लोगों को, फिर आपका अच्छा बेनिफिट भी होगा है कि नहीं। तो अगर किसी को भी करवाना है कुछ भी करना है तो डीएम करना है इंस्टाग्राम है कि नहीं, लेकिन हम लोग आईडी का प्रमोशन नहीं करते, हाँ इसीलिए आईडी का लिंक का प्रमोशन नहीं होता है, आईडीज वगैरह का प्रमोशन हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं ठीक है। तो तुम क्या बोल रहे थे? मैं यही बोल रही थी मुझे आज इसमें बड़ा मजा आया, और साथ में जैसे अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है, हाँ उस दिन एक सिस्टर ने उन्होंने लिखा था, बोले 250 रुपए का सामान आप कुछ जरूरत का भाई के लिए खरीदो, और भाई को बोलो कुछ 250 रुपए का आपके लिए जरूरत का खरीदने, देखते हैं आपकी पसंद की चीज आती है कि नहीं, मतलब ऐसा या 250 के अंदर खरीद पाते हैं कि नहीं, पर 250 थोड़ा मतलब कैसे हो गया ना, 250 में चीजें आती भी और नहीं भी, तो 250 में क्या लेंगे, पर आइडिया अच्छा था, ऐसा नहीं कि हमने दिमाग में नहीं रखा ना बच्चा उसका, हम लोग कुछ प्लानिंग करके सोच के फिर उसको मतलब वो करेंगे बनाएंगे उस दिन देखते हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज हैं तो प्लीज शेयर करें कमेंट बॉक्स में, तो हम भी उसे पढ़ेंगे देखेंगे। अभी हमारे घर में बिग बॉस चालू होने वाला है, मैं अर्चना बनूंगा, तुम अर्चना बनो और तुम प्रियंका बनना, अरे अब्दू बनेगा, तो चलिए मैं क्या बनूंगी, मुझको लेकिन सौंदर्य बहुत पसंद है, सौंदर्य प्रियंका और अर्चना तीनों मुझे बहुत पसंद है, तीनों गेमर बहुत अच्छी हैं, चलो फ्रेंड टू फ्रेंड वाली, तो खैर कोई नहीं। आज का ब्लॉग तो एंजॉय किया हम लोगों ने, आपको का पता नहीं, हाँ। हमने तो बहुत एंजॉय किया, इनका पता नहीं खुराफाती पक रही है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो गाइस और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो यार, वीडियो को फुल वॉच करो, आज आप लोगों के लिए हम लोग ने इतना हमने भी एंजॉय किया है, देखिए आप लोग भी पूरा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, हंसी आएगी, मुझे तो ठसका लग गया था पीते पीते ये बोलूंगी, तो अल्लाह अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको हाफिज है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, एकदम बाबू टाइम पर बोलो मिलना।